जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी आएगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी। शीला दीक्षित ने दिल्ली में ऐसी लूट मचाई, शीला दीक्षित ने दिल्ली में ऐसी लूट मचाई, सालों साल से भ्रष्टाचार और बढ़े महंगाई, आई 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 आम आदमी पार्टी आई, आई 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 हो, आई 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 आम आदमी पार्टी आई, हो आई 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 आम आदमी पार्टी आई। ए रेप बढ़े हाँ इतने की हो, हर माँ बेटी घबराई, आई 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 हो, आई 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 आमदनी पार्टी आई, हो आई 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 आमदनी पार्टी आई, हो आई आई आई। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली में, देश भर में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उससे लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई है। अभी तक हम लोग जब वोट देने जाते थे तो या तो एक बेईमान को वोट देना पड़ता था या दूसरे बेईमान को वोट देना पड़ता था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अब हमारे पास विकल्प है, इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बेईमानों को वोट मत दीजिएगा। बेईमानों को वोट देंगे तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, बेईमानों को वोट देंगे तो बलात्कार भी बढ़ेंगे, बेईमानों को वोट देंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। और अगर हम इंसाफ मांगने पुलिस के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, तो सरकार और पुलिस हमें इंसाफ नहीं देती है बल्कि हमारे ऊपर लाठियां चलाएगी। शीला ने कलमारी के संग कॉमनवेल्थ करवाया, चाहने वालों को ही टेंडर परमिट पास कराया, बिजली महंगी पानी महंगा, बिजली महंगी पानी महंगा, महंगी होई महंगाई, आई आई आम आदमी पार्टी आई, आई 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 आम आदमी पार्टी। साथियों, अभी तक बेईमानों को वोट देना आपकी मजबूरी थी, आप जानते थे दोनों में से जो भी जीतेगा वे जनता को लूटेगा और अपनी जेबें भरेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पैसा लेकर के टिकट देती हैं और आपको दोनों में से किसी एक को चुनना आप लोगों की मजबूरी थी, मगर अब एक पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी आ गई है। अगर आप दिल्ली की राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। आम आदमी जिंदाबाद, 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 आम आदमी जिंदाबाद, 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 कमल की ना हाथ की, कमल की ना हाथ की। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जनलोकपाल कानून बनवाने के लिए आंदोलन चलाया था, लेकिन बेईमान मंत्रियों ने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया और उनका कानून नहीं बनने दिया, जनलोकपाल कानून नहीं बनने दिया। अरविंद केजरीवाल ने 10 दिन तक जंतर मंतर पर अनशन किया, उसके बाद भी बेईमान नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। जन जन की पीड़ा को सुनकर आए केजरीवाल, जन जन की पीड़ा को सुनकर आए केजरीवाल, जैसो से पूछे कई सवाल, अरविंद केजरीवाल को देख के, अरविंद केजरीवाल को देख के कांग्रेस भाजपा घबराई, आई इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सारी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 70 की 70 विधानसभा सीटों पर ईमानदार लोगों को लेकर आएगी। बेईमान नेताओं को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी और बलात्कार भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो महंगाई भी कम करवाएगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा, भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा, अन्ना हजारे का लोकपाल कानून बनाया जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था
कि अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो क्या हो सकता है कि देश को सुधार होगा कि नहीं होगा, किसकी क्या गारंटी है? सब तो सारे वर्स्ट है, जो आता है बोलता है पैसे या करो, किसी का मकान बनता है तो बोलते हैं हमें दे दो 500 रुपये, हमें 1000 रुपये दे दो, हमें साफ पानी के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं पाइपलाइन टूट गई है जी, उसकी मरम्मत होगी तब जाके कोई ठीक होगा। तो मतलब ये सब हमें एक्सक्यूज मिलते रहते हैं उनसे, ये सब मतलब हमें प्रॉपर कभी सोल्यूशन मिलता है इन चीज़ों के बारे में। देखिए, बहुत सारे नेताओं पर हमने भरोसा किया और हर बार एक नेता आता है और वो कहता है कि मुझे सत्ता दे दो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कोई कानून नहीं बनाता। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले दिल्ली में जनलोकपाल कानून, अन्ना हजारे वाला जनलोकपाल कानून पास किया जाएगा। अन्ना हजारे वाले जनलोकपाल कानून के पास होने के बाद दिल्ली में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने के अंदर वो जेल चला जाएगा। ये इस बात की गारंटी है कि फिर कल को अरविंद केजरीवाल बेईमान हो या मैं बेईमान हो या कोई और नेता बेईमान हो, जो भी बेईमान होगा उसको तिहाड़ जेल भिजवाया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, इस बात की गारंटी है। ए भोली भाली जनता के संग करते जो गद्दारी, भोली भाली जनता के संग करते जो गद्दारी, 6 महीने में जेल जाएंगे ऐसे भ्रष्टाचारी, 6 महीने में जेल जाएंगे ऐसे भ्रष्टाचारी, ओ सारा सिस्टम बदलेंगे हम, सारा सिस्टम बदलेंगे हम, ए सौगंध है खाई। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो गई है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो बिजली के दाम आधे कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो बिजली के दाम आधे करने के साथ साथ हर एक घर में पानी की सप्लाई की जाएगी, साफ पानी हर एक घर के लिए 700 लीटर साफ पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। और हम सब लोगों की एक और बड़ी समस्या है, हम सब लोग जब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाने जाते हैं तो हमारी जेब छोटी पड़ जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती चली जाती है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पे रोक लगाएगी, इसके लिए अलग से कानून बनाएगी। ऐसा काम करेंगे हर नारी को मिले सुरक्षा, ऐसा काम करेंगे हर नारी को मिले सुरक्षा, हो ऐसा काम करेंगे हर नारी को मिले सुरक्षा, ऐसा काम करेंगे हर नारी को मिले सुरक्षा, रोजी रोटी सबको मिले सबको बेहतर शिक्षा, 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 बिजली सस्ती पानी सस्ता, बिजली सस्ती पानी सस्ता, होगी कम महंगाई, आई 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 आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, दिन पर दिन इतनी बढ़ रही हैं कि सबको मालूम है महिलाएं सुरक्षा नहीं है, महिलाएं अकेले घर से नहीं निकल सकती, इतनी ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं कि लोग इससे ज्यादा परेशान हैं। और अगर पुलिस के पास अगर आप जाते हो तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, उल्टे आपको जलील करती है, डंडे बरसाती है, कहती है कि चुपचाप घर पे चले जाइए, अपनी औरतों को घर पे बिठा दीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के हर एक नगर निगम वार्ड में कमांडो फोर्स बनाई जाएगी जिसका काम महिलाओं की सुरक्षा देना होगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी आएगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी। भाई साहब छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेके बैठे हुए हैं, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है क्योंकि अगर इस बच्चे को अच्छा भविष्य देना है, एक अच्छा हिंदुस्तान देना है तो एक बेईमान हिंदुस्तान अच्छा हिंदुस्तान नहीं हो सकता, और बेईमान नेता अगर हिंदुस्तान को चलाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य बहुत खराब है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में इन बच्चों के भविष्य की खातिर, इन बच्चों की जिंदगी की खातिर ईमानदार लोगों को लेकर आइए। बीजेपी ना कांग्रेस